नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और आज जो हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये कौन सा मॉक टेस्ट है। तो ये मॉक टेस्ट जो है यस मॉक पर अपलोड हुआ पहला मॉक है जो हमने अपलोड किया था, कल या परसों रात को हुआ था शायद। तो ये चीज ठीक है, अगर आपने ये वाला मॉक नहीं दिया है तो इस मॉक को आप कैसे दे सकते हैं वो मैं बता देता हूं। आपको जाना है www.yesmock.com, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग इस मॉक को दे सकते हैं दोस्तों। इसी का एनालिसिस मैं करवा रहा हूं, पहला मॉक अपलोड हो चुका है। इस मॉक को अगर आपने दिया है तो अपने मार्क्स एक बार लिख दीजिए, कितने नंबर आपके आए थे रीजनिंग सेक्शन में, सिर्फ रीजनिंग के मार्क्स लिख दीजिएगा अगर आपने ये वाला मॉक दिया है तो, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों आगे। अगर आप पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तो आप AL10 ये कोड इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। और अगर आप सिर्फ मेरा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसमें भी आप AL10 डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट बनाइए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इफ द पोजिशंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, इफ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, मतलब फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करने बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकेंड डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर। तो कोई भी नंबर बड़ा या छोटा कैसे डिसाइड होता है, उसके पहले डिजिट से डिसाइड होता है। जैसे कि ये 238 है, ये 2 है, ये 941 है, यहां 9 है, तो इन दोनों में अगर मैं बात करूं कौन सा छोटा है तो हम बोलेंगे ये छोटा है क्योंकि ये 2 है और ये 9 है, ठीक है। तो अगर ये बोल रहा है कि फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज हम कर रहे हैं तो अब हम जज कैसे करेंगे कि कोई भी नंबर छोटा या बड़ा होगा, उसके आखिरी डिजिट से, क्योंकि ये पहले पे आने वाला है। तो 28117, तो यहां पर देखिए दो आपको वन वाले दिख रहे हैं, ये वाले, तो जो भी सेकेंड लोएस्ट नंबर होगा इन्हीं में से कोई एक बनने वाला है, इनको आप कन्वर्ट कर लो 149127, ठीक है। अब देखो सेकंड लोएस्ट, ये आपका लोएस्ट नंबर बना, ये आपका सेकंड लोएस्ट बना, आपसे क्या पूछा था, इसका सेकंड डिजिट पूछा था, यानी 4 आपका आंसर। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर मल्टीप्लाइड, अगर सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है हर नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव थर्ड हाईएस्ट वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 12 12 7 84, 84 हो जाएगा, 8 2 16 16 3 48, 9 4 36, 7 2 14, 8 6 8 7 56, 56 × 6, सबसे ज्यादा वैल्यू तो इसकी होगी, जितनी भी होगी उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आपसे थर्ड हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट वो वाला हो रहा है
सेकंड हाईएस्ट ये वाला हो रहा है और थर्ड हाईएस्ट ये वाला हो रहा है, मतलब 238 ये आपका आंसर बनेगा। सभी का यही आ रहा है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो सबसे हाईएस्ट वो हो रहा है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। सेकंड हाईएस्ट ये था, थर्ड हाईएस्ट ये है, तो थर्ड हाईएस्ट 238 आपका आंसर बन जाएगा। इसमें देखिए क्या बोल रहा है यहां पर, इफ द पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, अगर हम पहले और सेकंड डिजिट की पोजीशन को चेंज करते हैं, इन दोनों को चेंज करते हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्क्वायर ऑफ द सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट नंबर। तो लोएस्ट नंबर कैसे डिसाइड करेंगे भाई, ये फ्रंट पे जाने वाला है तो इससे डिसाइड करेंगे हम कि सेकंड लोएस्ट कौन सा बनने वाला है। तो यहां देखो सबसे लोएस्ट कौन सा दिख रहा है आपको मिडिल में, तो सबसे लोएस्ट दिख रहा है टू वाला, फिर थ्री वाला हो जाएगा सेकंड लोएस्ट, मतलब कि ये 3 2 8 ऐसा बनेगा, ये हमारा हो गया। अब आपसे पूछा क्या है इसमें, स्क्वायर ऑफ सेकंड डिजिट, तो सेकंड डिजिट का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आपका आंसर बनेगा। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, इफ वन इज एडेड टू ऑल ऑड डिजिट्स, अगर हम सारे ऑड डिजिट में वन को ऐड कर देते हैं एंड वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द इवन डिजिट ऑफ द नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो यहां पर देखिए आपको क्या बोल रहा है, वन को ऐड करना है ऑड डिजिट में, तो सिर्फ पहले डिजिट को देखो आप, बाकी चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर वन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ऑड डिजिट में, तो यहां पर देखो ऑड वाला ये था, ये 9 के बदले 10 बन जाएगा, यहां 7 के बदले 8 बन जाएगा, और उसके बाद क्या बोल रहा है, वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द इवन डिजिट, तो वन सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, तो ये वाला 5 बन जाएगा, ये वाला 1 बन जाएगा, ये वाला 7 बन जाएगा। तो अब आपको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड हाईएस्ट नंबर, देखिए हाईएस्ट नंबर तो ये बनेगा 1041, मतलब जो भी है माइनस माइनस करके जो भी आएगा 1041, इसके अलावा आपको क्या बोल रहा है, सेकंड हाईएस्ट नंबर आपको निकालना है, सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या बनेगा यार, हाईएस्ट हो गया सेकंड हाईएस्ट 721, ये आपका आंसर, देखो ये हाईएस्ट बन रहा है फिर ये सेकंड हाईएस्ट 821, तो इसलिए 721 आंसर बनेगा। पूरा आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, काफी लोग इसको पूरा कन्वर्ट करते रहते हैं, तो पूरा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से, 3 से 4 मिनट का समय है। अभी कोई लिख रहा था कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता, मुझे पता ही नहीं चलता रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, इतने क्वेश्चंस बनाते हैं कि फर्क ही नहीं पड़ता कि रिपीट भी हो रहा है, तो अगर कुछ ही दिनों पहले करवाया होता हूं तभी समझ में आता है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और अगर वो क्वेश्चन 5-6 महीने पहले का है तो फिर तो पता ही नहीं चलता है।
चलिए दोस्तों डन के मैसेजेस आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं, सेवन बॉक्सेस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर वन अबव द अदर सच दैट वन बॉक्स इज एट द बॉटम इज नंबर्ड एज वन, द बॉक्स अबव इट इज टू एंड सो ऑन। तो टोटल सात बॉक्सेस है, ईच बॉक्स इज डिफरेंट आइटम अलॉन्ग मोबाइल टैबलेट कीबोर्ड ईयरफोन माउस चार्जर एंड लैपटॉप बट नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो टोटल सात है, यहाँ पर लिख लेते हैं सात छ पाँच चार तीन दो एक। अब बोल रहा है द फिफ्थ बॉक्स हैज चार्जर, पांचवें बॉक्स में चार्जर है। तो यहां पर देखिए क्या बोला है, द बॉटम इज नंबर्ड एज वन, तो पांचवें बॉक्स में चार्जर है मतलब यहां पर चार्जर हो जाएगा। उसे बोल रहा है जेड विच हैज ईयरफोन इज एन ऑड नंबर्ड बॉक्स, जेड में ईयरफोन है और ये ऑड नंबर के बॉक्स में होगा। वाई इज थ्री बॉक्सेस अबव जेड, वाई जो है वो तीन बॉक्सेस ऊपर है जेड से, तो वन टू थ्री। वन ऑफ द प्राइम नंबर्ड बॉक्सेस अबव वाई हैज माउस, वाई के ऊपर कोई प्राइम नंबर होना चाहिए और उसमें माउस है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, एक्स विच हैज लैपटॉप इज टू बॉक्सेस अबव यू, एक्स जिसमें कि लैपटॉप है ये दो बॉक्सेस अबव है यू से। द बॉक्स विच हैज कीबोर्ड इज बिलो द बॉक्स विच हैज टैबलेट, टैबलेट के नीचे कीबोर्ड है, टैबलेट के नीचे कीबोर्ड है। यू डज नॉट हैव कीबोर्ड, यू में कीबोर्ड नहीं है। डब्ल्यू इज नॉट अ प्राइम नंबर्ड बॉक्स, डब्ल्यू जो है वो प्राइम नंबर का बॉक्स नहीं है, डब्ल्यू प्राइम नहीं होना चाहिए। वी इज अबाउ टी, वी जो है वो टी के ऊपर है। वाई डज नॉट हैव मोबाइल, वाई के पास मोबाइल नहीं है। अब देखिए जेड को रखने के लिए ऑड वाले में हमारे पास दो जगह दिखती है, एक तो वन एक तो थ्री। मैं पहले थ्री पे रख के चेक करूंगा, क्यों थ्री पे रखूंगा, उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई अगर मैं जेड को थ्री पे रखूंगा तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, उसको पहले चेक कर लेते हैं। देखो जेड को अगर थ्री पे रखोगे ना तो एक ही पॉसिबिलिटी कैसे बन रही है, जेड ईयरफोन है, जेड से दो छोड़कर वाई, जेड से दो छोड़कर वाई। अब वाई के ऊपर प्राइम एक ही नंबर दिख रहा है, इसलिए ये सिंगल पॉसिबिलिटी बन रही थी, इसलिए मैंने पहले इसको चेक किया है। माउस प्राइम पे रखना है तो यहां पर हो जाएगा माउस, और सेवन जो है ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये पूरी कंडीशन हमारी हो गई। इसके अलावा देखिए और क्या है, अब Y में मोबाइल नहीं होना चाहिए, Y में मोबाइल मतलब यहां पर मोबाइल नहीं होना चाहिए। ठीक है, टैबलेट के नीचे कीबोर्ड ये तो बाद में रख देंगे। W प्राइम पे नहीं है, अगर W प्राइम पे नहीं है मतलब W यहां नहीं आ सकता, W यहां नहीं आ सकता, W यहां नहीं आ सकता। तो W के लिए कौन कौन सी जगह है, ये वाली फोर्थ वाली या फिर वन वाली, बस दो ही जगह है W के लिए। और क्या बच गया, U से एक छोड़कर X लैपटॉप। देखो U को यहां रख नहीं सकते, U को यहां रखोगे तो X लैपटॉप नहीं आ पाएगा, U को यहां रखोगे तो X लैपटॉप नहीं आ पाएगा, U यहां रख नहीं सकते, U यहां रखोगे तो X लैपटॉप हो जाएगा, U यहां रखोगे तो X लैपटॉप नहीं आ पाएगा। मतलब सिर्फ यही जगह थी, U एक छोड़कर X लैपटॉप। अब देखो W के लिए अगर जगह देखी जाए तो W के लिए अब सिर्फ यही वाली जगह बची हुई है, V के नीचे T चाहिए था तो V के नीचे T यहां पर आ जाएगा। टैबलेट के नीचे कीबोर्ड रखना है तो टैबलेट के नीचे कीबोर्ड रखना है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि कीबोर्ड U पे नहीं होना चाहिए। तो अगर टैबलेट के नीचे कीबोर्ड रखना है और U पे कीबोर्ड नहीं होना चाहिए तो कीबोर्ड यहां पर आ जाएगा। मोबाइल यहां नहीं आ सकता तो मोबाइल यहां पर आ जाएगा और टैबलेट यहां पर आ जाएगा। चेक करिए एक बार सही है क्या। सही है सभी का,
मुक्शी जी, मुक्शी जी का कहना है कि इतना सिंपल नहीं आता एग्जाम में। आपने वाला मॉक दिया था, कितने नंबर आए थे इस मॉक में? रीजनिंग में आपके कितने नंबर आए थे? आप पहले ये बताइए, अगर इतना सिंपल नहीं आता आपको। ये सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि आप क्लास में बना रहे हो। जब आप मॉक में आप बनाओगे ना 20 मिनट के टाइमर के साथ इस पूरे पेपर को, मैं गारंटी देता हूँ एक आध पजल तो बनेगा ही नहीं, एक पजल तो छोड़ना ही पड़ जाएगा आपको। पांच नंबर तो सीधे सीधे गए, बचे 30, 30 में से भी दो चार आप पांच छोड़ोगे मतलब 20, 22, 25 के आसपास बनेगा मैक्सिमम। इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर तो नहीं है, है VYTX ZUW माउस टैबलेट चार्जर लैपटॉप ईयरफोन मोबाइल कीबोर्ड, माउस टैबलेट चार्जर लैपटॉप ईयरफोन मोबाइल कीबोर्ड, बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट इसको बनाइए इनइक्वालिटी। सर वेबसाइट आ गया मॉक का? हाँ आ गया ना वेबसाइट, yesmock.com। एक मिनट रुकिए, देखिए yesmock.com जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये देख सकते हैं yesmock की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना है आपको, ऐप यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा फ्री मॉक टेस्ट। तो ये SBI PO का मॉक टेस्ट 1 आ चुका है, इसी मॉक को मैं भी सॉल्व करवा रहा हूं। यही मॉक है जो कि 3 दिन पहले अपलोड हुआ था, परसों नहीं, उससे एक दिन पहले रात को अपलोड हुआ था 10 या 11 बजे। तो अगर आपने ये नहीं बनाया है तो इसको बनाइएगा, क्योंकि ये जो आज की क्लास है इसी का एनालिसिस चल रहा है, इसी मॉक का, ठीक है। ये एक आ चुका है, एक मॉक टेस्ट जो है वो आज या कल और आ जाएगा, और बाकी यहां पर जो भी एग्जाम्स हैं सबके मॉक टेस्ट अपलोड होंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी तो ये फ्री मॉक चल रहा है। चलिए आंसर दीजिए भाई इसका जल्दी से। अब तो 35 ला देंगे, कैसे कर दे रहे हो यार। सर क्रिटिकल रीजनिंग सारे टीचर से समझने की कोशिश की, लेकिन जो आपसे समझ पाता हूँ किसी और से नहीं, प्लीज़ बताइए कैसे क्रिटिकल रीजनिंग करूँ। विनय जी क्रिटिकल रीजनिंग मैं करवाऊँगा, मुझे उसके लिए कंटेंट रेडी करना पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन SBI PO के मेंस के पहले पहले मैं करवा दूँगा क्रिटिकल रीजनिंग। SBI PO SBI क्लर्क के पहले करवा दूँगा, IBPS PO के पहले शायद नहीं हो पाए। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहां पर देखो बी से यू तक जाना है सबसे पहले। देखो बी से यू तक जाना है, कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो बी से एन तक जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो और कहां जा सकते हैं, और आगे कहीं भी नहीं जा सकते, गलत हो गया, ठीक है। दूसरे वाले को देखो, ए से पी तक जाना है, ए को पी तक जाना है, तो ए से पी तक कैसे जा सकते हैं, पी के घर जा ही नहीं सकते, दरवाजा बंद है यहां पर, ठीक है। ए से जेड के घर जा सकते हैं, फिर जेड से टी के घर जा सकते हैं, फिर टी से वी के घर जा सकते हैं, वी से यू के घर जा सकते हैं, और फिर यू से पी के घर जा सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। टी से एन तक जाना है, तो टी से एन जाना है तो कैसे करोगे, टी से एन जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं इसको। टी से एन तक जाना है तो टी से वी तक जा सकते हो,
वी से पी तक जा सकते हो, फिर पी से एन तक जा सकते हो, ये भी ट्रू होगा। ओनली कंक्लूजन 2 and 3 आर ट्रू, ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें देखिए दोस्तों, P को W तक जाना है, ठीक है, P को W तक जाना है तो कैसे जा सकता है? देखो यहाँ पर P जो है वो Q के घर तक जा सकता है, उसके बाद आगे कहीं पर भी नहीं जा सकता, ये गलत हो गया, ठीक है। R को C तक जाना है, तो R को अगर C तक जाना है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, R को C तक जाना है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। देखो R से B तक जाएगा, यहाँ भी डोरमेट, यहाँ भी डोरमेट, फिर B से C तक जाएगा, यहाँ भी डोरमेट, यहाँ भी डोरमेट, ट्रू हो गया। C को Q तक जाना है, तो C को अगर Q तक जाना है तो C अपने घर से निकल ही नहीं पाएगा, दरवाजा बंद है, गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। देखो 8 इज इक्वल्स टू 6, बट यहाँ पर 8 इज इक्वल्स टू 9 दिख रहा है, 6 के साथ इक्वल नहीं है, मतलब ये तो गलत हो गया। 6 से 8 तक जाना है तो 6 से 9 तक जा सकते हैं, ठीक है, फिर 9 से 8 तक जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते, तो ये भी गलत हो गया। एक सेकंड, 6 से 9, 9 से 8, ठीक है, 6 से 9, 9 से 8 जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी डोरमेट, यहाँ भी डोरमेट, यहाँ डोरमेट नहीं था, तो ये गलत हो गया। 7 से 5 तक जाना है तो 7 से 5 आप नहीं जा सकते, ठीक है, ये गलत हो गया, तीनों गलत है। तो ये दोस्तों यहाँ पर कोई इधर और का बन रहा है क्या? ये वाले में इधर और बन रहा है, इधर कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। रुको यार, चलिए इसको बनाइए फटाफट, पहले बाकी क्वेश्चन करवा देते हैं, पजल लास्ट में करेंगे। सो जल्दी बनाइए, 2 मिनट का समय, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। स्टार्ट करें। पॉइंट जे 16 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ओ, पॉइंट जे जो है वो 16 मीटर नॉर्थ में है ओ से, उसके बोल रहा है जेड इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ सी, जेड जो है वो 5 मीटर ईस्ट में है सी से। इसके बाद क्या बोल रहा है, टी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ ओ, टी जो है वो 10 मीटर वेस्ट में है ओ से,
एन इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ जे, एन जो है वो 15 मीटर वेस्ट में है जे से। उसके बाद बोल रहा है सी इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ टी, सी जो है वो 8 मीटर नॉर्थ में है टी से। अब सी से ऐसे 5 मीटर इधर जेड रखना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जी इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ एल, जी जो है वो 7 मीटर नॉर्थ में है एल से। एल विच इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ आई, एल जो है वो 10 मीटर ईस्ट में है आई से। उसके बाद के इज 20 मीटर साउथ ऑफ एन, के जो है 20 मीटर साउथ में है एन से, तो के जो है यहां पर आ जाएगा ऐसे 20 मीटर साउथ में एन से। उसके बाद बोल रहा है जी इज 25 मीटर ईस्ट ऑफ के, जी जो है वो 25 मीटर ईस्ट में है, तो यहां से 25 मीटर ईस्ट में ऐसे आ जाएगा जी, और ये जी से 7 मीटर ऐसे करके नीचे यहां पर एल, और फिर ऐसे आई बना लेना, यहां जगह नहीं है तो मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये देखो ये जी से नीचे एल बनाना है और फिर इधर आई बनाना है, तो यहां जी से नीचे एल और आई इधर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे उम्मीद करता हूं सभी का बना होगा। चलते हैं आगे, चलिए फटाफट इसको बनाइए सिलॉजिज्म। सर आप यस ऑफिसर पे प्री एंड मेंस एक साथ करा रहे हैं? बिल्कुल, मेंस की क्लासेस शाम को 6:30 बजे हो रही है, पिछले एक हफ्ते से 6 क्लासेस हो चुकी है। डेली मेंस की क्लास होती है 6:30 बजे और डेली प्री की क्लास होती है सुबह 10:30 बजे, तो प्री और मेंस दोनों चल रहा है यस ऑफिसर पे। चलिए क्या बोल रहे हैं, सम एप्पल आर नॉट बनाना, सम एप्पल आर नॉट बनाना, ये एप्पल है इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है ये बनाना नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल बनाना आर गुआवा, पूरे के पूरे जो बनाना है ये गुआवा है। फिर बोल रहा है ओनली अ फ्यू पाइनएप्पल आर गुआवा, सिर्फ थोड़े से पाइनएप्पल जो होंगे वो गुआवा होंगे। तो अब यहां पर देखो बोल रहा है सम एप्पल आर नॉट गुआवा, थोड़े से एप्पल जो है वो गुआवा नहीं है, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि भाई ये जो थोड़े से एप्पल है वो क्या नहीं है, वो बनाना नहीं है, गुआवा तो हो सकते हैं ना, एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं होता। सम पाइनएप्पल आर बनाना, क्या थोड़े से पाइनएप्पल आपको बनाना के अंदर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, मतलब गलत हो गया ये, नीदर नॉर। कुछ लोग डी कुछ लोग सी लिख रहे हैं, कैसे सी लिख दे रहे हो भाई, नीदर नॉर होगा। नेक्स्ट लाइक किए हुए बताओ, अरे लाइक कर दिया करो यार, मोटिवेशन दिया करो। आप लोग बोलते हो सर मोटिवेशन दो मोटिवेशन दो, आप भी तो दो मोटिवेशन। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ऑल क्रिकेट आर फुटबॉल, पूरा क्रिकेट जो है वो फुटबॉल है, नो फुटबॉल इज गोल्फ, कोई भी फुटबॉल जो है ये गोल्फ नहीं है। सम गोल्फ आर बैडमिंटन, थोड़े से गोल्फ जो है ये बैडमिंटन है। अब बोल रहे सम बैडमिंटन आर नॉट फुटबॉल, सम बैडमिंटन आर नॉट फुटबॉल, ध्यान से देखिएगा ये वाला जो बैडमिंटन है जो गोल्फ के अंदर चला गया वो फुटबॉल नहीं होगा, मतलब सही बोल रहा है सम बैडमिंटन आर नॉट फुटबॉल। नो गोल्फ इज क्रिकेट बोल रहा है, कोई भी गोल्फ क्रिकेट नहीं होगा, ये भी सही बोल रहा है भाई, क्योंकि ये गोल्फ जो है यहाँ नहीं जा सकता इस पूरे पोर्शन पे, तो दोनों सही है, मतलब कि बोथ कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू फॉलो, ये आपका आंसर बनेगा।
सर आप रायपुर में कहाँ रहते हो? रायपुर में घर पे रहता हूँ मैं अपने। आप भी उम्मीद करता हूँ अपने घर पे रहते होगे। फ्यूचर में सिलेक्शन हो गया तो मिठाई खिलाने कहाँ आऊँगा? सिलेक्शन हो जाएगा तब बता देंगे कहाँ रहते हैं। फ्यू रॉकेट आर चॉपर, फ्यू रॉकेट, थोड़े से रॉकेट जो है वो चॉपर है। सम एयरप्लेन आर नॉट चॉपर, सम एयरप्लेन, थोड़े से एयरप्लेन ऐसे हैं जो चॉपर नहीं है। इसके अलावा ओनली रॉकेट आर हेलीकॉप्टर, इसको कैसे बनाते हैं? ओनली काटो, ऑल लिखो, उल्टा पढ़ो। ऑल हेलीकॉप्टर आर रॉकेट, ऑल हेलीकॉप्टर आर रॉकेट। और इसमें ना ऐसे मार्किंग बनाते हैं, ये बंदा ना खुद कहीं जाता है ना किसी को अपने पास आने देता है। सम चॉपर कैन बी हेलीकॉप्टर, क्या थोड़ा सा चॉपर हेलीकॉप्टर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी को भी अपने पास नहीं आने देगा। सम एयरप्लेन आर नॉट रॉकेट, थोड़े से एयरप्लेन जो है वो रॉकेट नहीं होंगे, इसकी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? सम एयरप्लेन आर नॉट रॉकेट इज अ पॉसिबिलिटी। इसको देखो, मैंने एक तरीका बताया था, सम ए आर बी, आप इसको इस तरीके से चेक करो, सम एयरप्लेन आर रॉकेट, फिर दूसरा चेक करो, सम एयरप्लेन आर नॉट रॉकेट, इन दोनों को चेक करो आप। जब आप इन दोनों को चेक करोगे तो सम ए आर रॉकेट, क्या आपको थोड़े से ए रॉकेट दिख रहे? नहीं दिख रहे, बोल रहे थोड़े से ए जो है वो रॉकेट नहीं है, बोल रहा है थोड़े से ए जो है ये वाला पोर्शन देख लो, क्या ये रॉकेट नहीं है? तो यहां पर तो हो सकता है, मतलब ये भी गलत है। जब दोनों गलत है तो क्या हो जाता है? ईदर और, मतलब इन दोनों में से किसी एक के होने की संभावना है, मतलब इसके भी होने की संभावना है, संभावना है ना भाई, पॉसिबिलिटी है ना इस चीज की होने की। क्यों क्यों है? क्योंकि दोनों अगर गलत हो गए तो इधर और होता है। इधर और का मतलब क्या है? या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों में से किसी एक के सही होने की संभावना है। मतलब कि सम ए आर नॉट रॉकेट इज अ पॉसिबिलिटी, सम एयरप्लेन आर नॉट रॉकेट इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू होगा। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो इसका आंसर बनेगा। इसमें बोल रहा है ऑल अंकल आर आंट, ऑल अंकल, पूरे के पूरे अंकल जो हैं ये आंट है। ऑल आंट आर सिस्टर, पूरे आंट जो हैं ये सिस्टर हैं। नो सिस्टर इज मदर, कोई भी सिस्टर जो है ये मदर नहीं है। अब क्या बोल रहा है? नो अंकल इज मदर, कोई भी अंकल जो है वो मदर नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। ऑल मदर कैन बी आंट, क्या पूरी मदर आंट के अंदर आ सकते हैं? नहीं आ सकते, पॉसिबल नहीं है। यानी ओनली ओनली कंक्लूजन वन फॉलो आपका आंसर बनेगा। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है? इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन्वेस्टर आर अरेंज्ड एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज्ड। तो आपको बोल रहा है इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई J K L M N
ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। तो आपको बोल रहा है कितने की पोजिशन अनचेंज है। तो ये देखो ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी 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 हो गया। तो ऐसा एक भी वर्ड मतलब लेटर नहीं है जिसकी पोजिशन चेंज नहीं हुई है, तो नन इसका आंसर बनेगा। चलिए जल्दी से बनाइए दोस्तों इस क्वेश्चन को। अरे यार मेंस की पजल सीरीज की जरूरत है अंकिता जी। मेंस की पजल सीरीज तो चल ही रही है, 500 पजल सीरीज यस ऑफिसर पे चालू हो चुकी है। 6:30 बजे डेली क्लास हो रही है। कल भी 3 पजल कराया था मेंस के, परसों 2 पजल कराया था मेंस के। ये हफ्ता मेंस पजल चलेगा, फिर अगला हफ्ता मेंस मिसलेनियस रीजनिंग का चलेगा। यस ऑफिसर की जो भी क्लासेस हो रही है, 2 क्लासेस इसीलिए ले रहा हूँ, 3 क्लासेस ले रहा हूँ वैसे तो मैं उस पर। टोटल 3 क्लासेस होती है, एक सुबह 10:30 बजे से होती है जो कि होती है टॉपिक वाइज फाउंडेशन कोर्स बिगिनर्स के लिए, ठीक है टॉपिक वाइज। इसके अलावा शाम को 6:30 बजे से मेंस पजल की क्लास हो रही है। इस हफ्ते पूरे पजल में करवाऊंगा, पिछले हफ्ते भी पजल मैंने पूरे करवाए थे, अभी तक लगभग हम 15 से 20 पजल बना चुके हैं।
अगले हफ्ते पूरे मिसलेनियस रीजनिंग की क्लास होगी मेंस की, और रात को 8 बजे डीआई की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 2 दिन हो गए हैं, 2-2 डीआई करवाता हूँ हर क्लास में, तो 2 क्लास हो चुकी है, 3 क्लासेस चल रही हैं टोटल। उसके अलावा एक यहाँ पर फ्री क्लास होती है, एक यस ऑफिसर के चैनल पे फ्री क्लास होती है। कि और कितनी क्लासेस लोगे यार, बच्चे की जान लोगे क्या? 7% नेमली ई ए डी सी बी जी एफ हैव अ पेन विथ डिफरेंट नंबर अमंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाउएवर नॉट इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। दीज पेन्स आर ऑफ डिफरेंट कलर अमंग येलो, पिंक, वॉयलेट एंड ग्रे, सच दैट एटलीस्ट 1 पेन एंड एटमोस्ट 2 पेन आर ऑफ द सेम कलर। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 7 लोग हैं। एलेक्स हैज पेन नंबर 7 विच इज ऑफ ग्रे कलर, ग्रेग हैज पेन नंबर 1 विच इज ऑफ वॉयलेट कलर, डायलन हैज पेन ऑफ पिंक कलर, देर आर 2 पिंक पेन्स सच दैट ठीक है, सबके नाम लिख लेते हैं यहां पर। सबसे पहले एमा, एलेक्स, अब देखो क्या बोल रहा है, एलेक्स हैज पेन नंबर 7। एलेक्स के पास कौन सा पेन है? 7 नंबर का पेन है, विच इज ऑफ ग्रे कलर, जो कि ग्रे कलर का है। जी हैज पेन नंबर 1, जी के पास पेन नंबर 1 है, विच इज ऑफ वॉयलेट कलर, जो कि वॉयलेट कलर का है। डी हैज पेन ऑफ पिंक कलर, डी के पास पेन है पिंक कलर का। देर आर 2 पिंक पेन सच दैट नीदर ऑफ देम हैज अ प्राइम नंबर्ड, तो पिंक वाले 2 होंगे और कोई भी प्राइम नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है द ओनली पेन ऑफ येलो कलर हैज अ प्राइम नंबर, येलो वाला एक ही है और वो प्राइम होगा। ठीक है, और येलो वाला एक ही है और नहीं होंगे येलो। द पेन नंबर ऑफ वॉयलेट कलर पेन इज 2 लेस देन द पेन नंबर ऑफ येलो कलर, येलो कलर के पेन का जो भी नंबर होगा, जो भी इसका नंबर होगा ठीक है, उसमें जब 2 माइनस करोगे तो किसका आ जाएगा नंबर? द पेन नंबर ऑफ वॉयलेट कलर पेन इज 2 लेस, तो वॉयलेट का पेन नंबर आ जाएगा। मतलब अगर ये आप 7 लेते हो येल्लो को, तो येल्लो 7 तो हो नहीं सकता। अगर येल्लो को 5 लेते हो तो ये 3 हो जाएगा, इसको 3 लेते हो तो ये वॉयलेट 1 हो जाएगा। वॉयलेट 1 दिख रहा है ना, तो ये 3 हो जाएगा, 3 में 2 माइनस करोगे 1, हाँ या ना? बोल सकते हैं येल्लो वाला 3 हो गया। अब क्या बोल रहा है, ई हैज पेन नंबर 5, ई के पास पेन नंबर 5 है, विच इज नॉट ऑफ ग्रे कलर, जो कि ग्रे कलर का नहीं है। यहां पर ग्रे लिख के क्रॉस कर देते हैं। एफ नीदर हैज ए इवन नंबर पेन नॉर अ पेन विच इज ऑफ येलो कलर, एफ के पास ना तो इवन नंबर का पेन है ना ही येलो कलर का, तो यहां पर येलो भी नहीं आना चाहिए और इवन भी नहीं आना चाहिए, मतलब ऑड नंबर आएगा यहां पर। अब क्या बचा, बी डज नॉट हैव अ पेन विच हैज अ प्राइम नंबर, बी के पास प्राइम नंबर वाला पेन नहीं है, मतलब यहां पर प्राइम नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, येल्लो एक ही है, येल्लो एक ही है और येल्लो यहां पर आ नहीं सकता ठीक है, और यहां पर इवन भी नहीं आ सकता, मतलब यहां पर ऑड रखना पड़ेगा। ऑड में क्या क्या हो चुका है, 1 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, बच्चा क्या क्या है हमारे पास, 3 बचा हुआ है और कुछ भी नहीं बचा, 1, 3, 5, 7 बस इतना ही था। अगर मैं 3 को यहां पर रखता हूं तो भाई येल्लो अगर 3 है तो यहां पर तो येल्लो आना चाहिए, सॉरी एक सेकंड यार, कुछ गड़बड़ किया है मैंने लग रहा है, क्या गड़बड़ कर दिया हूं, ऐसा मान सकते हैं ना कि वॉयलेट 2 भी तो हो सकते हैं, तो 5 वाले में येल्लो आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है ना भाई। देखो मैं क्या बोल रहा था अभी तक आपको कि येल्लो जो है वो 3 होगा तो 2 माइनस करोगे वॉयलेट 1 आ जाएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 टाइप के वॉयलेट हों और जो 5 है उस पर हम येल्लो रख दें। कोई कंडीशन गलत लिखा हूँ लिख रहे हैं, क्या कंडीशन गलत लिखा हूँ भाई, एलेक्स हैज पेन नंबर 7 विच इज़ ऑफ ग्रे कलर, ग्रेग हैज पेन नंबर 1 विच इज़ ऑफ वॉयलेट कलर, डी हैज पेन ऑफ पिंक कलर, देर आर 2 पिंक पेन,
such that neither of them has prime number. दो पिंक है लेकिन प्राइम नहीं होना चाहिए. द ओनली पेन विद येलो कलर हैज़ द प्राइम नंबर. द पेन नंबर ऑफ वायलेट कलर पेन इज टू लेस देन द पेन नंबर ऑफ येलो कलर. क्या कंडीशन गलत है यार, सब तो सही लिखा हूं. Pen number of violet color pen is 2 less than the pen number of yellow color. E has pen number 5, which is not of gray color. F neither has even number pen nor a pen which is of yellow color. देखो अगर यहां पर even number नहीं आ सकता, 1, 5, 7 ऑड वाले हो चुके हैं, तो बच्चा 3 ही आना चाहिए यहाँ पर. तो डेफिनेटली येल्लो को हम 3 नहीं बोल सकते, फिर येल्लो को 5 बोलेंगे. तो येल्लो अगर 5 है तो यहाँ पर येल्लो आ जाएगा, और येल्लो अगर 5 है तो 2 कम करके वॉयलेट जो है वो 3 आ जाएगा. ये होगा तो वॉयलेट अगर 3 है तो ये देखो ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वॉयलेट आ जाएगा. और क्या बच गया अब? एक, दो, दो बचा है, तीन, चार बचा है, पांच, छह बचा है, दो चार छह बचा हुआ है. बी में प्राइम नहीं होना चाहिए, मतलब 2 नहीं आ सकता, तो 4 और 6 में से कोई एक यहां पर आ सकता है. पिंक में 2 नहीं आएगा, तो पिंक में प्राइम नहीं आएगा, मतलब प्राइम यहीं पर आएगा. 2 पिंक लेने थे, पिंक यहीं पर आएगा. 4 और 6 में से कोई एक यहां होगा. एक कलर क्या बच गया अब आपके पास? येलो तो एक लौता कलर है, वॉयलेट 2 हो गया, पिंक 2 हो गया, तो ग्रे बचा है, ग्रे यहां पर रख देते हैं. चेक करो दोस्तों इसको, 4 और 6 में कुछ सेट कर सकते हो क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा सेट, ऐसे ही बनेगा ये. मेरे ख्याल से तो यही बनेगा, चेक कर लेते हैं एक बार. हाँ यही बन रहा है बिल्कुल, देख लो एक बार, चेक कर लो भाई फटाफट. एलेक्स ग्रे 7, ग्रेग वॉयलेट 1. एलेक्स ग्रे 7, ग्रेग वॉयलेट 1, बिल्कुल सही है. उसके बाद डायलन पिंक, ब्रूक पिंक, 4 और 6. ये देखो डायलन और ब्रूक 4 और 6 दोनों में पिंक है, मतलब सही है सब. पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, बार बार आगे पीछे करना पड़ रहा है, छोड़ दो इसको. सही है बिल्कुल, 100% करेक्ट है. चलिए आगे चलिए, इसको जल्दी से बनाइए. चलिए बनाते हैं. 6 बाइक आर हैविंग डिफरेंट स्पीड, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब क्या बोल रहा है यहां पर? द स्पीड ऑफ बी इज मोर देन ई विच हैज मोर देन सी.
द स्पीड ऑफ बी इज मोर देन ई, बी जो है ये ई से ज्यादा है. ई विच हैज मोर स्पीड देन सी, ई जो है ये सी से ज्यादा है. अब क्या बोल रहा है, बी डज नॉट हैव द हाइएस्ट स्पीड, बी का हाइएस्ट नहीं है, मतलब यहां पर बी नहीं होना चाहिए. उसके बाद क्या बोल रहा है, एफ हैज लेस स्पीड देन डी, एफ जो है वो डी से कम है, एफ जो है वो डी से कम है. ई हैज मोर स्पीड देन डी, ई जो है वो डी से कम है, सॉरी ई जो है वो डी से ज्यादा है. एफ डज नॉट हैव द लोएस्ट स्पीड, एफ का लोएस्ट स्पीड नहीं है. द स्पीड ऑफ बाइक विच हैज हाइएस्ट स्पीड इज 70, द स्पीड ऑफ बाइक विच हैज द हाइएस्ट स्पीड, जिसकी भी हाइएस्ट स्पीड है इज 70, विच इज 15 किलोमीटर मोर देन बाइक विच हैज द सेकेंड हाइएस्ट. सेकेंड हाइएस्ट से ये 15 ज्यादा, यानी ये 55 हो जाएगा. अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है भाई, बी जो है वो टॉप पे नहीं है, तो बी अगर टॉप पे नहीं है तो यहां पर ले लो बी को, ठीक है. एफ अगर बॉटम पे नहीं है तो एफ को यहां पर ले लो. अब देखो एफ के ऊपर डी और ई चाहिए था, एफ के ऊपर डी और ई चाहिए था, ई जो है वो बी से नीचे चाहिए था, ये देखो. तो बचा क्या आपके पास, ई के नीचे सी लेना है, तो ई के नीचे सी यहां पर आ जाएगा. और क्या एक नाम बच गया ए, उसको यहां पर ले लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व. चेक करिए जल्दी से, चलिए इसको बनाइए जल्दी. लास्ट क्वेश्चन, एक पजल छूट गया है, वो होमवर्क रहेगा, सबसे ट्रिकी पजल वही है, इसलिए उसको होमवर्क दे रहा हूं. वो करवा दो, नहीं वो आप लोग करेंगे. चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं. क्या बोल रहा है यहां पर, इस जगह ही नहीं है यार बनाने का. 10 एट मोस्ट 10% सीट अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, द डिस्टेंस बिटवीन टू पर्संस टू एडजेसेंट पर्सन इज सेम, नन ऑफ द सीट्स आर वैकेंट. 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 नहीं है, मतलब बोल रहे हैं एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग बैठते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 10 बोला है, तो आप चाहो तो पूरे 10 बना के कर लो, बाद में हटा देना. टू पीपल सीट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में दो लोग बैठते हैं. बी सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ ई, बी जो है वो थर्ड टू राइट में है ई से. एच डज नॉट सीट एडजेसेंट टू ए, एच जो है वो ए के एडजेसेंट नहीं है. उसके बाद बोल रहे बी डज नॉट सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, बी जो है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है. जी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, जी जो है वो डी के इमीडिएट राइट में है. E sits exactly in middle of H and C, H और C के exact middle पे E बैठा हुआ है.
फ्रॉम ईदर साइड ऑफ सी, सी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए, सी जो है वो थर्ड टू राइट में है ए से, एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एफ जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है एच से, देखो इस वाली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, कहीं पर भी रख लो, ए को मैंने यहां पर रख लिया, ए से दो छोड़कर सी है, एक दो छोड़कर ये सी हो गया, ठीक है। अब आपको पता है सी से दो छोड़कर एफ लेना है, तो सी से दो छोड़कर एफ इधर तो आ नहीं सकता, तो दो छोड़कर एफ इस तरफ ले जाओ, अब देखो एफ जो है वो एच की इमीडिएट लेफ्ट में है, तो एच की इमीडिएट लेफ्ट में यहां पर एच आ जाएगा। अब आपको पता है सी और एच के बीच में ई है, तो सी और एच के बीच में ई है, मतलब ई यहां पर आ जाएगा, ई से दो छोड़कर बी लेना है, तो ई से दो छोड़कर यहां पर बी आ जाएगा। कितने लोग हो गए, तीन, तीन छह, तीन नौ, नौ लोग हो गए। अब देखो अगर आप ये नौ ही लोग रखोगे ना, तो ए के जस्ट लेफ्ट में ये देखो बी आ जाएगा, जो कि गलत है, ए के जस्ट लेफ्ट में बी नहीं होना चाहिए, तो एक पर्सन यहां पर और बैठा दो, तो दस लोग हो गए टोटल। अब क्या बोल रहा है, ए के बगल में एच नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन ये हो चुका है, ए के लेफ्ट में बी नहीं है, ये भी हो गया, डी के इमीडिएट राइट में जी रखना है, तो डी के इमीडिएट राइट में जी रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। चेक कर लीजिए, ए डी जी सी ब्लैंक, ई एफ एच बी ब्लैंक, ए डी जी सी ब्लैंक, ई एफ एच बी ब्लैंक, बिल्कुल सही है। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोगों को बनाना है, और क्या, बस यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो AL10 आप लोग ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल मेरा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं हम, DI और रीजनिंग का, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर 10:30 बजे यस ऑफिसर पर। सिलॉजिज्म की आज चौथी क्लास होने वाली है, तीन क्लासेस ऑलरेडी सिलॉजिज्म की हो चुकी है बेसिक क्लास, तो ज़रूर आइएगा क्लास में अगर आप सिलॉजिज्म सीखना चाहते हैं, तो मिलते हैं फिर 10:30 बजे। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल अगर आप चाहो तो।